हरे कृष्ण। कर्म एक लड़की का पलक कर होता है, क्या हम लोग उसको ये कह सकते हैं कि तुम्हारा पास्ट कर्मा के लिए तुम्हारे साथ जो सब हो रहा है उचित हो रहा है? हम लोग आज इस डिस्कशन में इस बारे में चर्चा करेंगे, मेरे साथ बने रहिए। कृष्ण गीता में ये बोलते हैं 4.17 में, गहना कर्मणो गति। मतलब ये कोरोना का जो कॉन्सेप्ट है इसको समझना बहुत ही मुश्किल है। हमारे कुछ कर्म है, कुछ संचित कर्म है जो पिछले जन्मों के हैं, जो चले आ रहे हैं, उसकी वजह से हमारे साथ में कुछ हो रहा है। तो अगर कभी हमने पास्ट लाइफ में कभी कुछ बुरे कर्म करे हैं तो उसका तो फल मिलेगा ही। आज जिस जगह पर अभी हम बैठे हैं, दिल्ली विच इज वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड, यहां पर जो बच्चा पैदा हो रहा है, क्या वो उसके बुरे कर्म है जिसकी वजह से वो पैदा हो रहा है? क्योंकि उस बच्चे को पॉल्यूटेड एयर ब्रीथ करनी पड़ रही है जिसकी वजह से उसको कुछ ऐसी बीमारियां हो गई है कि वो तड़प तड़प करके मर रहा है। किसकी वजह से? अपने पास कर्म की वजह से? अरे नहीं, हमारी पूरी की पूरी सोसाइटी की वजह से। ये तो अवश्य है कि कोई कर्म हम लोग करते हैं उसका फल हमें मिलेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस लाइफ में तो दूसरे लाइफ में। और कर्म का जो फल मिलता है हमें, वो लीनियर नहीं होता है, वो प्रोजेक्टेड इमोशंस होता है। ये कर्म किए हैं वो शायद अभी मिल जाएगा फल उसका, या फिर कुछ दिन बाद मिलेगा, या फिर बहुत दिन बाद मिलेगा, या फिर दूसरे लाइफ में मिलेगा, ये हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इसलिए कर्म का जो कंसेप्ट है बहुत ही डीप है और जीवात्मा के लिए समझना मुश्किल है, क्योंकि कोई भी इवेंट होता है उस इवेंट के पीछे बहुत कारण होते हैं। मान लीजिए कि अभी COVID-19 हुआ, उसको हम लोग एनालिसिस करेंगे तो ये जान पाएंगे कि COVID-19 फ्लेयर अप करने के पीछे बहुत कारण है। उस कारण को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट इमीडिएट कॉज, दूसरा पार्ट एंटीसिडेंट कॉज, तीसरा रिमोट कॉज। अभी क्या चीज हुआ जिसके लिए डिजीज इतना फ्लेयर अप किया, उसमें क्या क्या आ सकता है? WHO जल्दी अलर्ट नहीं किया, पैंडेमिक घोषणा नहीं किया, कंट्रीज अपने बॉर्डर को सीज नहीं किए, इन्फिल्ट्रेशन चलता रहा, लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं किया, ये सब कारण हो सकते हैं इमीडिएट कॉज में। कुछ लोगों को डायबिटीज से हाइपरटेंशन, इसके लिए डिजीज फ्लेयर अप कर गया। एंटीसिडेंट कॉज में क्या है? थोड़ा इमीडिएट कॉज से और पीछे, कैसे ये स्टार्ट हुआ? ऐसा हो सकता है कि वायरस म्यूटेशन हो गया, या चाइना में जिस लैब में वो लोग इसको रखे थे वहां से मिसहैंडलिंग होके बाहर निकल गया, या ये एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है, बायो वेलफेयर है, ये भी हो सकते हैं सारा चीज, है ना। लेकिन हम लोग देखे हैं कि इतने लोगों को कोविड हुआ लेकिन मरे बहुत ही कम लोग। ऐसा नहीं कि जिन लोगों को हाइपरथायराइड था, जिन लोगों को डायबिटीज था, जिन लोगों को हाइपरटेंशन था, वही लोग मरे हैं, नहीं। बहुत यंग लोग जिन लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं था, वो लोग भी इस बीमारी में मर गए। तो ये इसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इसके लिए एक रिमोट कॉज है कि हमारा पास्ट पे कर्म ऐसा कुछ होगा जिसका फल हमें भुगतना पड़ रहा है, इसके चलते इतने लोगों को हुआ लेकिन कुछ लोग ही मरे इसमें। कोई भी इवेंट का जो रिजल्ट होता है वो मल्टीपल लेवल्स में होता है। जैसे बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जो भी हम करते हैं वो हमने कुछ किया होता है और एक बीज की तरह होता है जो हमने बोया, अब उसका फल मिल रहा है। तो जब सोसाइटी में कोई रेप होता है उसके लिए किसको ब्लेम करोगे? उस इंसान को जिसके साथ में वो हो रहा है, क्योंकि पुराने जन्मों में उसने कुछ किया है। अगर ये लॉ ऑफ कर्मा की आपकी थ्योरी है तो अगर किसी के साथ में कुछ गलत हो रहा है तो क्यों हो रहा है? उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं और वो रीजंस बहुत ही ऑब्वियस हैं, उसमें किसी मिस्टिकल बात को हमको बीच में घुसाने की जरूरत नहीं है। यानी कि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, जो जस्टिस सिस्टम है उसकी प्रॉब्लम है, जो उस बच्चे की अपब्रिंगिंग है जिसने ऐसा कुछ गलत किया उसकी अपब्रिंगिंग में प्रॉब्लम है, एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है। तो हम इन सबको ठीक नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? इसका एक ओवर सिंप्लीफाइड आंसर उठा करके लोगों को दे देंगे, क्योंकि उसको समझाने में भी मेहनत नहीं है समझाने वाले को, और समझने वाले को भी अपना दिमाग नहीं लगाना है। अब इसमें भगवद्गीता का पर्सपेक्टिव क्या है? इस कर्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग डेली कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? तो भगवद्गीता ये बताता है कोई भी इवेंट होता है लाइफ में, उस इवेंट का दो चीजें होता है। एज एन ऑब्जर्वर, अगर मेरे सामने एक इवेंट हो रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ? उस इवेंट के पीछे की तरफ जा सकता हूँ और एनालिसिस कर सकता हूँ क्यों हुआ वो इवेंट। लेकिन प्रॉब्लम होता है लोग पास्ट कर्मा को पकड़ लेते हैं जब पीछे जाते हैं। तो गीता में क्या बताते हैं कि आप चाहे उस इवेंट के पीछे जाइए या नहीं जाइए, लेकिन आपको आगे का सोचना पड़ेगा।
इसका मतलब क्या है? पीछे मतलब कर्मा देख रहे हैं हम लोग, आगे मतलब हमारा धर्म क्या है, धर्म इन द सेंस यहाँ पे हमारा ड्यूटी। तो गीता ये बोलते हैं कोई भी इवेंट है उस इवेंट जो हम लोग देखते हैं हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, इस कंडीशन में मेरा क्या धर्म है यहाँ पे, मेरा क्या कर्तव्य है यहाँ पे, मैं कैसे जो इंसान परेशानी में है उसको कैसे मैं हेल्प कर सकता हूँ, ये मेरा धर्म है यहाँ पे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना धर्म के बारे में कम सोचते हैं, मेरा कर्तव्य के बारे में कम सोचते हैं, वो सामने वाला जो इंसान है उसका कर्म क्या है उसको सोच के हम लोग उसको ही ब्लेम करते हैं। ये बहुत ही गलत है। शास्त्र में क्या बताते हैं, किसी के कर्म के बारे में बात करना भी गुनाह है, हमें ये नहीं करना चाहिए कभी, क्योंकि हमें ये पता नहीं है वो पास्ट में क्या कर्म किया था, ये जो अभी वो भुगत रहा है उसका फल है कि उसका फल नहीं है, हमें कुछ नहीं पता है। हम जो भी सोचेंगे ये मेंटली सोचेंगे, मेंटली स्पेकुलेट करेंगे, एज्यूम करेंगे, गलत है। किसी के कर्म के बारे में एनालिसिस मत करो उस टाइम, तुम ये सोचो तुम्हारा धर्म क्या है उस सिचुएशन में, तुम उसको कैसे हेल्प कर सकते हो, अगर किसी के साथ इनजस्टिस हुआ है उसको जस्टिस दिलाओ कैसे, उसके बारे में सोचो। That's why we should never even talk about past life karmas. Never ever. मान लो किसी के साथ बलात्कार होता है लड़की के साथ, ठीक है, अब उसका रिमोट कॉज हो सकता है कि उसका पास्ट लाइफ में कोई कर्म था उसका फल उसको मिल रहा है, वो हमें नहीं पता है। हो सकता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है या ऐसा कुछ हुआ है जिसके बारे में हमें कोई भी आइडिया नहीं, फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पास्ट लाइफ को ब्लेम करते हैं। उस चक्कर में क्या होता है, हम लोग ब्लेमिंग द विक्टिम करते हैं, जो एक्चुअली विक्टिम है जिसके साथ ये सब हुआ है हम लोग उसी को ही ब्लेम करते हैं, कितना गलत चीज है ये। और उस चक्कर में क्या होता है, जो मॉडिफाइबल कॉज है उसको हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस केस में हो सकता है लॉ एंड ऑर्डर का व्यवस्था खराब हो, जस्टिस का सिस्टम खराब हो, लड़कों का अपब्रिंगिंग खराब हो, परवर्स माइंड सेट हो, या फिर इसके पास पावर है तो वो उसका गलत यूज कर सकता है, तो ये सारे मॉडिफाइबल कॉज है। अगर हम लोग इस पे फोकस नहीं करेंगे और पास्ट कर्म में जाके विक्टिम को ब्लेम करेंगे तो हमसे ज्यादा गुनहगार कोई है नहीं संसार में। तो अगर आप लोग पास्ट में झांक रहे हैं तो इमीडिएट और एंटीसिडेंट कॉज में ही आप लोग अटके रहेंगे। पास्ट कर्म के बारे में बोलने का आपको कोई हक भी नहीं है क्योंकि आपको पता भी नहीं है और कभी आपको पता भी नहीं चलेगा इस चीज के बारे में। तो जिस चीज के बारे में आपको पता नहीं है उसके बारे में क्यों कमेंट करना है, उससे क्या होता है? अगर मान लीजिए कि हम लोग किसी के पास्ट के बारे में कमेंट करते हैं तो हम लोग इनसेंसिटिव हो जाते हैं, क्योंकि कहां पे जाके रुकने वाले हैं हम लोग। मान लीजिए कि मैं एक डॉक्टर हूं और मेरे पास एक पेशेंट आता है और मैं उसको बोलता हूं अभी जो तुम सफर कर रहे हो तुम्हारे पास्ट कर्मा के वजह से तुम सफर कर रहे हो और मैं ट्रीटमेंट नहीं करूंगा, तो क्या सही है? सफर के लिए तो मैं सही हो जाऊंगा क्योंकि ऑब्वियसली कर्मा का फल उसे मिल रहा है, लेकिन मैं क्या अपना धर्म जो था इस कंडीशन में उसको क्या मैंने निभाया? बच्चा रो रहा है, माँ सामने खड़ी है और माँ बोलती है कि बच्चा के पास कुछ कर्मा किया उसके लिए वो रो रहा है, तो माँ का कर्तव्य क्या है? माँ कर्तव्य है कि वो समझे बच्चा क्यों रो रहा है, क्या चाहिए उसको, है ना? वो धर्म, पुलिस के पास कोई आके कंप्लेन करता है कि ये चोर मेरे घर पे आके चोरी करके ले गया, वो पुलिस बोलेगा नहीं यार ये तुम्हारा पास्ट लाइफ का कर्मा था जिसका फल तुमको अभी भुगतना पड़ रहा है, ये सही है? वो अपने पास्ट लाइफ में क्या कर्म किया था नहीं किया था उसका तो हमें पता नहीं है, लेकिन हम लोग इस कंडीशन में एज ए डॉक्टर एज ए मदर एज ए पुलिस ऑफिसर हम लोग अपना कर्म अपना धर्म ठीक से निभा नहीं रहे, तो हम लोग बैड कर्म कर रहे हैं, हम लोग खराब कर्म कर रहे हैं जिसका फल हमें भुगतना पड़ेगा। शास्त्र में बहुत सारे उदाहरण है इस चीज को लेकर। जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ कोई आके उसको ये नहीं बोला कि तुम्हारा पास्ट लाइफ तक तुम ऐसा कर्म किए थे इसलिए तुम ऐसा भुगत रहे हो, नहीं कोई नहीं बोला, बल्कि पांडव लोग इस चीज को लेके जस्टिस दिलाने के लिए लड़ाई भी हुआ, इतना बड़ा महाभारत युद्ध भी हो गया। फिर से बोल रहा हूं एक इवेंट होता है उस इवेंट को आप लोग पोस्टमार्टम मत कीजिए, पास्ट में ऐसा हुआ था इसलिए ऐसा हुआ, नहीं उस सिचुएशन में मेरा धर्म क्या है, मेरा ड्यूटी क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, वो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। जब सीता महारानी का किडनैपिंग हुआ, रावण उनको लेके चला गया, राम लक्ष्मण ये नहीं बोले कि सीता जी का पास्ट कर्म होगा इसलिए वो भुगत रही है, भुगतने दो हम लोग क्या है, नहीं वो लोग ये सोचे कि वो अपने आपको रेस्पॉन्सिबल माने, बोलो
और सीता को खोजने गए हैं और रावण से लड़ाई हुआ, फिर सीता को वो लेके आए, है ना। जब महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु का निधन होता है तो कृष्ण अर्जुन को पेसिफाई करने के लिए समझाते हैं। तब भी कृष्ण ये नहीं बोले कि अभिमन्यु का पास्ट कर्मा ये था इसलिए अभी उसको इसका निधन हुआ, नहीं ये नहीं बोले। तो आप बोलेंगे प्रभु तो कर्मा कॉन्सेप्ट है क्या, इसको लाया क्यों गया है? कर्मा का कॉन्सेप्ट इसलिए है टू पेसिफाई अवर सेल्फ। क्या मतलब इसका? मान लो कि मुझे बीमारी होता है और मैं सारा ट्रीटमेंट करा रहा हूं लेकिन कहीं से कुछ मुझे मिल नहीं रहा है बेनिफिट सोल्यूशन। एंड में लोग पागल हो जाते हैं, बोलते हैं कि मेरे साथ क्यों हुआ, मैं तो जिंदगी में कुछ किया नहीं, किसी गलत मेरे साथ क्यों हुआ, क्यों हुआ। तब हम अपने आप को समझा सकते हैं, दूसरों को नहीं, अपने आप को ये समझा सकते हैं मैंने पास्ट लाइफ में ऐसा कुछ किया होगा जिसके लिए मुझे फल मिल रहा है। अगर मैं एग्जाम में फेल कर गया उसके पीछे बहुत कारण है, लेकिन एक कारण हम लोग अगर सोचेंगे कि नहीं मैं तो बहुत अच्छा पढ़ाई किया था, सब कुछ किया था, लेकिन फिर भी क्यों नहीं हुआ, तब हम अपने को समझा सकते हैं कि मेरा पिछला कर्म खराब होगा इसलिए मुझे ये भुगतना पड़ रहा है। अगर ये हम लोग कन्विंस कर देंगे अपने आप को तो एवरीथिंग विल बी सो पीसफुल, काम, ट्रैंक्विल। दूसरा कर्म का पर्पस क्या है? हम लोग को रेस्पॉन्सिबल बनाना, कि हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग खराब कर्म करेंगे तो उसका खराब फल मिलेगा। अभी जो अपना कर्म हम लोग कर रहे हैं, जो ड्यूटी कर रहे हैं, उसको हम ठीक से निभाएंगे। और तीसरा जो कर्म का एडवांटेज है हमारे लाइफ में, कि ये हमें सेंसिटिव बनाता है। देखिए अगर हम किसी और का कर्म के बारे में चर्चा करेंगे तो हम लोग इनसेंसिटिव हो जाएंगे, हार्ट जो है ना हमारा हृदय पत्थर जैसा हो जाएगा। मान लो कि हम लोग कोई अर्फनेज में गए हैं, वहां पर अनाथ बच्चे हैं, तो हम लोग दो चीजें कर सकते हैं। हम लोग ये सोच सकते हैं कि ये बच्चे जो है अपने पिछले जन्म में कुछ खराब किए थे इसलिए उनको ये सजा भुगतना पड़ रहा है, इसलिए भुगतने दो, हमारा क्या जाता है। दूसरा है कि हम ये सोच सकते हैं कि इस कंडीशन में ये बच्चे जो है यहाँ पे इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ। अगर उसका कर्मा नहीं देखेंगे तो हमारा हार्ट सेंसिटिव हो रहा है, वो उनका कर्मा देख रहे हैं तो हमारा हार्ट पत्थर हो रहा है। तो कर्मा का कॉन्सेप्ट इसलिए बनाया गया है कि हम अपने धर्म को ठीक कर सके, एवरी सिचुएशन में हम ये देख सके कि मेरा धर्म क्या है यहाँ पे। और कोई कोई लोग तो ये आर्गुमेंट देते हैं कि जो विक्टिम है, मान लीजिए कि किसी का मर्डर हुआ है, वो विक्टिम उसके पास्ट कर्म का सजा भुगत रहा है और जो इसको मारा है उसका कोई दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि पास्ट कर्म के लिए उसको मरना था, ये तो एक इंस्ट्रूमेंट था बस। ये जो नियति है, जो किस्मत है, जो भाग्य है, उसका एक इंस्ट्रूमेंट बन के ही उसको मारा, इसका क्या दोष है, उसको तो भुगतना ही था। ये बहुत ही डेंजरस फिलोसफी है। कमसा वसुदेव को यही चीज बोलता है, जब देवकी और वसुदेव का बहुत सारे पुत्रों को वो मार देता है तब कमसा ये बोलता है कि मैं बहुत क्रूर इंसान हूं, मैं इतना तुम्हारे लड़के को मार दिया, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, डेस्टिनी उनका भाग्य में मृत्यु लिखा था, मैं तो केवल इंस्ट्रूमेंट हूं। लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि किसी का डेस्टिनी क्या है हमें नहीं पता है, नंबर वन, और हम डेस्टिनी का इंस्ट्रूमेंट है कि नहीं ये भी हमें नहीं पता है। अगर हम लोग डेस्टिनी का इंस्ट्रूमेंट हुए भी और डेस्टिनी में मृत्यु लिखा भी है, फिर भी हम लोग इसलिए नहीं मार रहे हैं कि हम लोग डेस्टिनी का इंस्ट्रूमेंट है। कम से इसलिए मार रहा है क्योंकि उनका पुत्र उनको मारने वाला है, इसलिए वो मार रहा है, उसका अल्टीरियर मोटिव्स है। किसी के डेस्टिनी पे मृत्यु लिखा हो सकता है लेकिन उसका मृत्यु का कारण आप होंगे ये नहीं लिखा होता है। तो यहाँ पे हम लोग गलतियां करते हैं। तो ये जो फिलोसफी है ये बहुत ही डेंजरस है, इसको कभी भी जस्टिफिकेशन के लिए हम लोग यूज नहीं कर सकते, वरना हम लोग क्या करेंगे, जो ऑलरेडी विक्टिम है उसको हम लोग फिर से ब्लेम करेंगे, जो एक्यूज्ड है उसको हम लोग खाली छोड़ देंगे। इससे बड़ा गुनाह क्या हो सकता है, इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है संसार में। सो ऑलवेज थिंक अबाउट व्हाट इज माय धर्म, व्हाट इज माय ड्यूटी इन दिस पर्टिकुलर इवेंट। नेवर एवर टॉक अबाउट द पास्ट लाइफ और द रिमोट कॉज ऑफ एनी इवेंट। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।